एक आदमी अपने काम से देर रात तक घर लौटता है और देखता है कि उसका 5 साल का छोटा बच्चा उसका दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। वो बच्चा अपने पिता से सवाल करता है कि आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो। वो आदमी गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है और तुम ऐसे सवाल करना कहाँ से सीख रहे हो। अगर तुम्हें यही जानना है तो मैं 1 घंटे का $20 कमाता हूँ। तो बच्चा कहता है, ठीक है, उसमें से मुझे $10 चाहिए। अब वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं 1 घंटे का $20 कमाता हूँ तो तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए $10 क्यों चाहिए? तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि अब तुम्हें खिलौनों से खेलने की जरूरत नहीं है? वो बच्चा चुपचाप रूम में चला जाता है और अपने दरवाजे बंद कर लेता है। अब वो आदमी बच्चे के सवाल के बारे में सोचता है कि वो 1 घंटा का $20 कमाता है और उसके बच्चे की हिम्मत कैसे हुई ऐसे सवाल पूछने की। कुछ घंटे बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है। हो सकता है उसे $10 की ज़रूरत होगी। वह बच्चे के कमरे में जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया, मैंने दिन भर का गुस्सा तुम पे निकाला और बच्चे को $10 दे दिया। वो बच्चा $10 ले लेता है और फिर अपने बिस्तर के नीचे से कुछ और पैसे निकालता है जिसे मिला करके $20 हो जाते हैं। वो आदमी फिर से गुस्सा हो जाता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि उसका बच्चा बोलता है कि डैडी ये लो $20 और कल मुझे अपना 1 घंटा देना, कल आप 1 घंटे पहले घर आना और हम लोग साथ मिलकर डिनर करेंगे। उसकी बातें सुनकर उस आदमी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने गलती समझ जाता है। यह 1 घंटे वाली कहानी हम सबको यह सिखाती है कि हम सबको अपना समय सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपने फैमिली को भी देना है। जरा सोचो, कल को आप नहीं रहे तो कंपनी को मात्र कुछ घंटे लगेंगे नया स्टाफ लाने में, मगर आपकी कमी सिर्फ आपके फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ही महसूस करेंगे। यार कुछ घंटा अपने परिवार वालों के लिए भी निकालो, काम तो चलता रहेगा। ये छोटी सी कहानी हमें अपनों की कीमत बताती है, अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों को समय देना कितना जरूरी है। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो लेकिन अपने परिवार वालों के लिए आप पूरा का पूरा दुनिया हो। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने परिवार वालों के लिए समय जरूर निकालोगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी ही कहानी लाता रहता हूँ।